मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। हमारा प्रभु बहुत ही बड़े अनुग्रह को हमें देता है, हर दिन भविष्यवाणी के वचन आप ही को देता है, हर दिन पवित्र आत्मा के साथ मिलकर एक छोटा सा संदेश या छोटा सा प्रचार, वह जो है बहुत ही थोड़ा कम समय का होगा, फिर भी आपके गहरे मन में वो बस जाए और पूरा दिन जो है आपको अच्छा फल दे रहा है। परमेश्वर की महिमा करता हूँ। हर दिन पवित्र आत्मा के द्वारा मन्ना के रूप में, उन दिनों में इस्राएली लोगों को जो है जंगल में जैसे मन्ना खाकर वे सामर्थी बने, हर दिन का मन्ना परमेश्वर आपको दे रहा है। आज का वचन जरा देखते हैं, आज का मन्ना देखते हैं, प्रेरित काम 3:16। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को, जिसे तुम देखते हो जानते हो, सामर्थ दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया, उसी के नाम से, उस विश्वास के द्वारा जो है आप सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया। सब जानते हैं 3 में पत्रस और यहोना उस सुंदर नामक फाटक के पास बैठे हुए उस लंगड़े व्यक्ति को उन्होंने सामर्थी बनाकर खड़ा किया। जब पत्रस इसे समझा रहा था कि कैसे हुआ, तब 16 में कहता है, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है तुम सभी लोगों के सामने उसे बिल्कुल भला चंगा कर दिया। मेरे प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा का अभिषेक को जब पाते हो, आपके अंदर काम करने वाले एक बहुत बड़ा वर है, विश्वास का वर। आपके अंदर एक विश्वास है, आप विश्वास कीजिए, निराश मत होइए, उस विश्वास के वर को आप भड़काइए। कैसे उसे और अग्नि से भरे, वह कहता है सोना चांदी मेरे पास नहीं है, यह मत देखो कि मैं कुछ दूंगा, मेरे पास जो है मैं वो आपको देता हूं। यीशु नासरी के नाम से उठ खड़ा हो, उसका नाम नसरे यीशु का नाम, नासरी यीशु का नाम उसको सुनते ही उसके अंदर का विश्वास बढ़ने लगा, वह विश्वास उसे खड़ा करता है। आपके जिंदगी में अगर कोई ऐसी समस्या है, जैसे आर्थिक समस्या है, आप उठ नहीं पा रहे हो, पुरानी जिंदगी से आप उठ नहीं पा रहे हो, पुरानी उपद्रवों से अगर आप उठ नहीं पा रहे हो, घूम घूम कर उसी में बैठे हुए हो, परमेश्वर कहता है कि तुम उठने वाले हो, पहली समस्याओं से, पिछली समस्याओं से आप उठने वाले हो, आपके अंदर एक बहुत बड़ा जागृति होने वाली है, कारण विश्वास। बोलिए कि मैं विश्वास करने वाला हूं, मैं जानता हूं किसे मैं विश्वास करता हूं। अंगीकार कीजिए, परमेश्वर बदलाव लाएगा, अभिषेक के द्वारा विश्वास आपके अंदर बढ़ने लगेगा। प्रार्थना करें, प्यारे प्रभु, तेरा अभिषेक जो तूने दिया है वो बेकार नहीं जाएगा, तेरे बच्चों के अंदर जो अभिषेक है वह 30 गुना 60 गुना 100 गुना बढ़ता रहेगा। विशेष रूप से आज तेरे बच्चों के अंदर वह विश्वास नामक आत्मा का वर बहुत ही बड़ी मात्रा में काम करे, विश्वास के द्वारा धर्मी जिएगा ऐसा कहा गया है, तेरे बच्चे आत्मा प्राण और शरीर में जीते रहे विश्वास के द्वारा, और बड़े बड़े अद्भुतों को वो देखें, भलाई और करुणा उनका पीछा करें। अविश्वास की बातें, अविश्वास के सोचे तेरे बच्चों में कभी ना आए, मेरा रक्षक जीवित है ऐसा प्रतिदिन कह कर के तेरी स्तुति करें। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर के लोगों, जो जिस पर आपने विश्वास किया उसे जानते हो कि वह कौन है, तो आज की इस परिस्थिति को मत देखिए, परमेश्वर देख लेगा। ओके, भूल मत जाइए, दूसरों को जरूर से शेयर करें, वे भी इसे सब्सक्राइब करें, उससे प्रतिदिन जो आप पाते हो बोलिए कि वे भी पाएंगे। परमेश्वर की इच्छा, तो फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए
जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299542636 ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।